अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड 101। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। टुडे वी आर मेकिंग आलू गोभी, जो एक बहुत ही घरेलू डिश है, हर घर में बनती है। इट इज़ वेरी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस। टुडे वी विल टेल यू हाउ टू मेक इट। सबसे पहले आप लीजिएगा एक पैन, इसमें डालें हाफ कप ऑफ ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो वी विल ऐड आलू। हम सबसे पहले आलू डालेंगे और इसको हल्का सा स्टेयर फ्राई करेंगे। इट कैन बी मेक रेगुलरली, बट आई एम फ्राइंग इट फर्स्ट बिकॉज इस पर कलर अच्छा सा आ जाएगा और पूरी डिश के दौरान ये टूटेगा नहीं, अदरवाइज़ आलू टूट जाता है और खड़ा खड़ा आलू ज़्यादा अच्छा लगता है गोभी के साथ। और जब ये हल्का सा गोल्डन फ्राई हो जाए, जैसे कि इसको गोल्डन कलर आ गया है, तो आई डिश इट आउट एंड कीप इट अ साइड। और उसके बाद हम सेम पैन में, सेम ऑयल में डालेंगे गोभी और गोभी को भी हम स्टेयर फ्राई करेंगे। हल्का सा स्टेयर फ्राई करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ गोभी टूट जाएगी। थोड़ी खिली खिली ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। जब ये भी हल्का सा साटे हो जाएगा तो देन वी विल डिश इट आउट और हम इसको भी साइड पर रख देंगे। वी विल यूज़ इट लेटर ऑन। उसके बाद हम सेम पैन में और सेम ऑयल में डालेंगे ज़ीरा, तेज़पत्ता, मोटी इलायची और दालचीनी। थोड़ा सा साटे करने के बाद जब इसकी फ्रेग्रेंस आने लगेगी तो देन वी विल ऐड अनियन। हमने एक मीडियम साइज़ लिया चॉप हुआ हुआ, इसको अब आप स्टेयर करेंगे एंड मेक इट ट्रांसलूसेंट और लाइट गोल्डन इन कलर। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साटे करेंगे कि अदरक लहसुन जो है हमारा थोड़ा सा पक जाए। देन वी विल ऐड जो हमारे रेगुलर स्पाइसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट, फिर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी स्पाइसेस भी अच्छे से प्रॉपरली पक जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और इसको हिला लेंगे। वी विल मेक इट टिल जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़ी टेंडर हो जाएं और एक अच्छा सा लुक आने लग जाए। टमाटर को गलाने के लिए वी विल कवर इट अप एंड वी विल लीव इट फॉर लाइक 2 to 3 minutes ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको लो फ्लेम पे पकाने के बाद ओपन इट अप, देखिए मसाला अच्छे से बन गया है, ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए पोटैटोस और साथ हम इसमें डाल देंगे फ्राई हुई गोभी जो हमने सेपरेटली रखी थी। ये अब हमने गोभी भी ऐड कर दी। नाउ वी विल मिक्स इट अप ताकि मसाला अच्छे से दोनों में अब्सॉर्ब हो जाए। इसको साथ साथ आप हल्का हल्का स्टेयर करते जाएँ ताकि मसाला कम्प्लीटली इसमें डिसॉल्व हो जाए। देन कवर इट अप फॉर लाइक 2 to 3 minutes एंड कुक इट ऑन लो फ्लेम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी और गरम मसाला। अब हम इसको 2-3 minutes के लिए दम पे रख देंगे ताकि कलौंजी और गरम मसाले की खुशबू आ जाए इसके अंदर अच्छे से। और अब हम इसको ओपन करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। थोड़ा सा पानी डालने से ग्रेवी अच्छी आ जाएगी और दम भी अच्छा लगेगा। इसको मज़ीद 2 to 3 minutes के लिए दम पे रखें। ये लीजिए मज़ेदार आलू गोभी तैयार है। आई होप यू लाइक्ड इट और डू लाइक एंड सब्सक्राइब फूड 101 एंड डू शेयर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो